मैं बेघर हो चुका हूँ भाई, मैं बेघर हो चुका हूँ क्योंकि मेरा घर पुलिस वालों ने ले लिया है भाई। 2 घंटे के लिए मेरे से मांगा था, मतलब 2 घंटे के लिए उन्होंने मेरा घर इसलिए मांगा था क्योंकि उनका पुलिस स्टेशन जल चुका था। तो भाई उन्होंने मुझसे हेल्प मांगी ही, भाई हम लोग तेरा घर लेंगे बस 2 घंटे के लिए, उसको हम लोग पुलिस स्टेशन में कन्वर्ट करेंगे। बट भाई उसके बाद उन्होंने बोला हम लोग तेरा घर 24 घंटे के लिए लेने वाले। तो भाई मैंने फिर से हेल्प कर दी, बट उसके बदले हम लोगों को उन्होंने 10 करोड़ दिए थे। तो मैंने वो पैसे भी कैश डिपॉजिट कर दिया था पूरा का पूरा बैंक में। बट भाई अभी 3 दिन हो चुके, अभी तक मेरा घर खाली नहीं किया, बस 1 दिन के पैसे दिए, अभी 2 दिन के पैसे भी नहीं दे रहे भाई वो लोग। मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मैं पूरा बेघर हो चुका हूँ। और भाई यहाँ पे मुझे बाहर रहना पड़ रहा है, जहाँ पे मैं होटल्स में रह रहा हूँ भाई वहाँ पे 50 लाख पर डे का रेंट है भाई। ऐसे कैसे रह सकता हूँ मैं वहाँ पे, इतने पैसे तो मेरे पास है भी नहीं भाई। 10 करोड़ मुझे दिए थे और अभी 3 दिन हो चुके, ऑलरेडी 1.5 करोड़ मैं दे चुका हूँ भाई होटल में रहने के लिए। अब मुझे मेरा घर वापस चाहिए, बस मुझे घर मेरा वापस चाहिए। कुछ भी हो जाए ना, मैं मेरा घर आज वापस लेके ही रहूँगा कुछ भी हो जाए, क्योंकि यार अभी बहुत हो गया। बस 2 घंटे के लिए मांगा था, उसके बाद उन्होंने 24 घंटे कर दिए, 24 घंटे के भाई सीधा 3 दिन हो चुके हैं, बट अभी तक मेरा घर मुझे दिया नहीं। और भाई ऊपर से बिना पूछे हुए मेरा घर भी अपग्रेड कर दिया, मतलब अपग्रेड कर तो दिया बट बाद में बोल रहे थे कि भाई हम तेरा घर जैसा था वैसा वापस करके देंगे। बट वो दिन कब आएगा ये तो मुझे भी पता नहीं। बट मैं अभी जा रहा हूँ घर पे, सीधा उस ऑफिसर से बात करूँगा जिसने मुझसे हेल्प मांगी थी। भाई मैंने एक इंसानियत के नाते हेल्प तो कर दी, बट भाई अभी तक उन्होंने मेरा घर छोड़ा नहीं। और मुझे ऐसा लग रहा है भाई मैं एक बेघर हो चुका हूँ, मेरा खुद का घर होके मुझे बाहर रहना पड़ रहा है, ये तो बहुत बुरी चीज़ हो चुकी है। तो इसलिए मैं फटाफट चलता हूँ घर पर और भाई उनसे बात करके उनको घर छोड़ने के लिए बोलता हूँ, मेरा घर खाली कर दो मुझे अभी बहुत हो गया, और वैसे भी 2 दिन के पैसे भी बाकी है वो भी हम लोग वापस ले लेंगे। वैसे घर पर तो आ गए हैं भाई हम लोग यहाँ पे, और देखो क्या खतरनाक अपग्रेड कर दिया इन्होंने भाई, इतना अपग्रेड कर दिया जैसे कि यहाँ पे बहुत बड़ा बेस बना दिया भाई इन्होंने। लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा पुलिस स्टेशन यहाँ पे मेरे घर पे बना दिया। इसका मतलब ये नहीं कि भाई मेरा घर बहुत बड़ा है तो तुम लोगों ने यहाँ पे भाई मतलब पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन यहाँ पे शिफ्ट करवा दिया। अरे भाई ये तो गिर गया, चलो कोई बात नहीं। बट वो ऑफिसर कहाँ पे जिससे मैंने बात की थी, जिसने मुझसे हेल्प मांगी थी, ये देखो भाई पूरा का पूरा घर उन्होंने अपने कंट्रोल में कर दिया है। यहाँ पे ये रहा पुलिस ऑफिसर, इससे मैं बात करता हूँ, सर फटाफट से ये घर मेरा खाली कर दो क्योंकि अब मुझे रहना है यहाँ पे। बस 2 घंटे के लिए मांगा था, 24 घंटे कन्वर्ट कर दिए, 24 घंटे के 3 दिन हो चुके, अभी तक आप लोगों ने मेरा घर खाली नहीं किया, तो आज किसी भी हालत में ये मेरा घर खाली कर दो। और वैसे 2 दिन के पैसे अभी तक मुझे मिले नहीं है। क्या मिलेंगे? अरे भाई ऐसा नहीं चलेगा भाई, पहले दिन के तुमने पैसे दे दिए बट अभी मुझे 2 दिन के पैसे चाहिए और घर आज के आज खाली हो जाना चाहिए। अरे भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है यहाँ पे। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा भाई, ये बोल रहे पूरा 1 हफ्ता ये लोग यहाँ पे रुकने वाले हैं, मैं 1 हफ्ता नहीं बाहर रुक सकता और ये पैसे भी नहीं देने वाले 1 हफ्ते तक। भाई ये तो मतलब सीधा नाइंसाफ यहाँ पे हो रही है हमारे साथ। बट यार कुछ ना कुछ तो मुझे जुगाड़ करना होगा, इन लोगों को यहाँ से भगाना होगा क्योंकि यार मेरा खुद का घर होके मुझे होटल में रहना पड़ रहा है और ऊपर से मेरे घर का रेंट भी नहीं दे रहे हैं यार। जो इन्होंने प्रॉमिस किया था हर दिन के 10 करोड़ देने वाले हैं, बस 1 दिन के पैसे दे दिए और भाई अभी बोल रहे हैं कि हफ्ते भर के हाल यहाँ रहने वाले हैं, पूरा हफ्ता मतलब 7 दिन यहाँ पर रहने वाले हैं और उसके बाद वो पैसे देने वाले। बट क्या गारंटी ये 7 दिन के बाद खाली करेंगे और 7 दिन के बाद पैसे भी देंगे, ये तो कोई गारंटी मुझे दिखाई नहीं दे रही। बट भाई ये मेरा बेड बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर सोता था भाई, ये क्या कर दिया, मेरा स्विमिंग पूल मत गंदा कर देना यहाँ पर। बट भाई ये पूरा मेरा घर यहाँ पर ख़राब कर दिया। बट भाई ये चॉप की बहुत ज़्यादा मजा है क्योंकि ये चॉप को तो नहीं निकाला बट मुझे मेरे घर से निकाल दिया भाई, ये तो बड़ी नाइंसाफी यहाँ पे हो रही। बट कोई बात नहीं, मैं तो गिर गया। अरे भाई सीधा खड़ा रह ले यहाँ पे, और यही था ना वो मुझे रोक रहा था भाई, पिछली बार भी रोका था और आज भी रोका था इसने मुझे। तो भाई अभी तो मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, बट वेट, अरे गाड़ी चल जाएगी तुम्हारी, इधर से इसको हटाओ यार। भाई ये लोग तो बहुत मतलब आलसी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे, गाड़ी वहाँ पे आग लगी हुई है और गाड़ी भी नहीं हटा रहे। बट यार मुझे ये बात छोड़नी होगी, इनका तो सोचना मुझे छोड़ना होगा, बट मुझे यहाँ पे ये सोचना है कि भाई ये घर मैं इन लोगों से खाली कैसे करवाऊँ, कुछ ना कुछ तो मुझे यहाँ पे जुगाड़ करना ही होगा, नहीं तो ये खाली नहीं करेंगे भाई। और मैं 7 दिन तक बाहर नहीं रहने वाला क्योंकि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं, जो 10 करोड़ इन्होंने पहले दिन दिए थे वो तो पूरे के पूरे ख़त्म हो जाएंगे भाई 2-3 दिन के अंदर, बट मैं उसके बाद रहूँगा कहाँ पे, ये तो भाई गलत बात है। इसके लिए मुझे जुगाड़ लगाना ही होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे खतरनाक प्लानिंग करनी होगी जिससे कि भाई ये बिना बोले यहाँ से निकल जाए, ऐसा मुझे कुछ तो जुगाड़ करना होगा। वेट भाई यहाँ पे
लॉस सैंटोस में अगर कोई मतलब ऐसा हॉरर घर होता है, जो भूतिया घर होता है, वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं। जैसे कि हमारे लॉस सैंटोस के अंदर एक घर है जो कि बहुत ज़्यादा हॉरर है, वहाँ पे मतलब अफवाह या सच में ये तो मुझे पता नहीं, बट वहाँ पे लोग जाने से डरते। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना यहाँ पे भी कुछ छोटी अफवाह फैला दूँ कि भाई मेरे घर के अंदर भूत है। भाई लोग तो भूतों से डरेंगे, ये पुलिस वाले भी यहाँ पे इनसे डर जाएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ ये अफवाह मैं फैला देता हूँ, बट उसके लिए मुझे एक परफेक्ट इंसान ढूंढना होगा जो मैं कहूँगा वो करेगा वहाँ पे। बट ऐसा इंसान मुझे मिलेगा कहाँ पे? एक मिनट, यहाँ पे एक ये बंदा खड़ा है ऊपर के साइड पे, ये करेगा क्या यार पैसों के लिए? नहीं, ये नहीं करेगा, मुझे ऐसा लगता है। ये मैडम करेगी क्या? नहीं, ये तो भाई बहुत ज़्यादा बिजी है। चलो इनको छोड़ो, मुझे कुछ ऐसा इंसान ढूंढना होगा भाई जिसका आगे पीछे कुछ भी नहीं है, उसका कुछ भी बैकग्राउंड नहीं, ऐसा इंसान मुझे यहाँ पे ढूंढना होगा। तो उसके लिए मुझे ऐसी जगह पे जाना होगा जहाँ पे बहुत डिफरेंट से लोग रहते हैं, वहाँ पे मुझे जाना होगा और भाई इसी इंसान से बात करके उससे पैसे देंगे हम लोग। वैसे तो पैसे हैं हमारे पास है, बट उसको हम लोग बताएंगे कि हमारे प्लान की हिसाब से वो बात करेगा पुलिस वालों से और भाई उनको डराएगा, और भाई उसके बाद हम लोग कुछ ना कुछ वहाँ पे जुगाड़ कर देंगे। वेट, मुझे यहाँ पे एक इंसान दिखाई दे रहा है भाई, वो सामने खड़ा है, वो करेगा क्या यार हमारा काम करेगा? अरे साइड में हटना भाई, तेरे को हॉर्न मार रहा हूँ फिर भी साइड पे नहीं हट रहा भाई। ये मुझे नहीं लगता ये कर पाएगा यार, ये नहीं कर पाएगा भाई, इसके पास तो मोबाइल वगैरह है, ये तो डर जाएगा ऐसा लग रहा है। बट ऐसी कहीं किसी जगह पर मुझे ढूंढना होगा, कोई तो यहाँ पर मिल जाएगा भाई। यहाँ मैं अंदर चलता हूँ जहाँ पे रहते हैं भाई कुछ लोग रहते हैं, वहाँ पे हम लोग चलते हैं। मैडम करेगी क्या? नहीं, मैडम भी नहीं करेगी। यहाँ पे मैं यहाँ पे जाता हूँ और अंदर कोई ना कोई यहाँ पे मुझे मिल जाएगा। वेट 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 भाई, गाड़ी साइड में लगा भाई, एक इंसान मुझे दिख गया, उससे मैं बात कर लेता हूँ। और भाई हम लोग उससे बात करके वो प्लान बताते हैं, इसको पैसे भी देंगे। भाई तुझे मेरे हिसाब से काम करना होगा, तेरे लिए एक बहुत ही बढ़िया काम है और उसके पैसे भी तुझे बहुत ज़्यादा मिलेंगे। पूरी ज़िंदगी भी तू कमाएगा तो नहीं मिलेंगे इतना पैसा मैं तुझे देगा, बस एक मेरा छोटा सा काम करना है। भाई इसने तो बिना पूछे ही हाँ बोल दिया, क्या काम है क्या करना है ये बिना पूछे इसने तो हाँ बोल दिया। तो एक काम करते हैं भाई, इसको हम लोग लेके चलते हैं। वैसे दिखाई भी दे रहा है भाई, कुछ अलग सा ये दिखाई दे रहा है, तो ये उनसे बात करेगा भाई, खुद भी मतलब डर जाएगा और भाई उनको भी डराएगा। तो वैसे इसको तो मैंने पूरी सारी की सारी बात बता दी है कि क्या प्लान है, क्या बात करनी है, क्या वहाँ पे बोलना है, और इसको मैं भाई देने वाला हूँ पूरी के पूरे 1 करोड़, इसको मैं देने वाला हूँ। और बस उसको यहाँ पे मतलब मेरे घर में जो पुलिस वाले उनसे जाके बात करनी है और उनको डराना है भाई, बस इतना ही इसको काम करना है और उसको वहाँ से निकल जाना है। फिर से मैं आ चुका हूँ घर के पास, बट यहाँ पे गाड़ी नहीं रोकूंगा भाई, मेरे बगल वाले घर के पास वो पार्किंग है, इसके अंदर मैं गाड़ी रोकूंगा। और भाई इसको मैं फिर से मैं अभी बता देता हूँ भाई, बाहर निकल, देख तुझे जो बोला है ना वही करना है, ज़्यादा बात नहीं करनी है, जो बोला गया वही करना है, प्लान ख़राब नहीं होना चाहिए यहाँ पे। और भाई मेरा नाम तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, तुझे जाके बस उनको डराना है। तो भाई इसको मैंने बोल दिया है और भाई ये भाग कैसे रहा है, ऐसा लग रहा है भाई बहुत ज़्यादा थक चुका है ये, बट कोई बात नहीं, ये तो बात कर देगा। ये गया क्या वहाँ पे या भाग गया यार? इसको तो मैंने वैसे अभी तक पैसे दिए नहीं। वेट वेट, हाँ भाई गया गया गया, ये घर के अंदर गया, बट मैं अभी जाता हूँ चेक करता हूँ भाई ये हमारी प्लान के हिसाब से वहाँ पे बात कर रहा है नहीं कर रहा है, ये हम लोग को वहाँ पे देखना। ये तो भाई प्लान के हिसाब से ही बात कर रहा है यहाँ पे भाई, जो मैंने बोला था इसको बोलने के लिए वही बोल रहा है भाई, बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट इंसान हम लोग को यहाँ पे मिल गया। बट ये पूरी तरीके से डरा देगा मुझे ऐसा लग रहा है। बट ये भाई ये ज़्यादा ओवर एक्टिंग मत कर, जितना बोला है उतना ही कर भाई, पैसे काट लूँगा तेरे ओवर एक्टिंग के मैं। भाई इसने तो बात बोल दी है, बट अब मुझे इनको डराना है, तो भाई इसके लिए मुझे लगेगा एक भूत का कॉस्ट्यूम भाई। वो मुझे कहाँ पे मिलेगा ये भी पता है, तो मैं फटाफट से उस लोकेशन पे जाऊँगा और कॉस्ट्यूम लेके भाई मैं फिर से घर पे आऊँगा। बट अब नहीं, हम लोग रात को आएंगे भाई, सीधा 12 बजे के बाद हम लोग आएंगे, क्योंकि 12 बजे के बाद बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे शांति होगी, कोई भी गाड़ी यहाँ पे नहीं घूमेगी, कोई भी बंदा यहाँ पे रास्ते पे नहीं होगा, ऐसे टाइम पे हम लोग आएंगे। और मैंने सुना है कि भाई रात को यहाँ पे बस 3 ही पुलिस ऑफिसर बाहर के मेरे घर के बाहर खड़े रहते, बाकी सब अपने अपने घर पे चले जाते। बट भाई ये बहुत ही खतरनाक वाला प्लान मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत ही सॉलिड प्लान है। क्या प्लान बनाया यार मैंने, बहुत ही बढ़िया प्लान मुझे ये लग रहा है। वैसे आधा काम तो उस बंदे ने कर दिया, उसको मैं पैसे तो दे दूंगा, बट भाई जैसे ये लोग भूत को देखेंगे बहुत ज़्यादा डर जाएंगे भाई, हमारा घर तो आज खाली हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारा घर रात को खाली हो जाएगा, तो मैं मेरे बेड पे आराम से सो पाऊंगा यार, वो होटल में मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, अपना घर तो अपना घर ही होता है। तो फाइनली मैं आज मेरे घर पे सो पाऊंगा,
और अगर ये आज नहीं डरे तो भाई कल मैं फिर से डराऊंगा इन लोगों को। वैसे आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे मैं बीच साइड पे क्या कर रहा हूँ, बट यहाँ पे मैं आया हूँ भाई कॉस्ट्यूम लेने के लिए। यहाँ पे कॉस्ट्यूम मिलता है, तो आप लोग ये भी सोच रहे होंगे बीच साइड पे क्या मिलता होगा। भाई यहाँ पे सब कुछ मिलता है, आप लोगों ने जो सोचा नहीं होगा वो तक यहाँ पे मिल जाएगा। बस मुझे यहाँ पे शॉप ढूंढनी होगी। यहाँ पे वेट, ये सेल यहाँ पे, अरे मिल गई ना भाई, ये देखो ये रही शॉप, उसके बगल में कपड़ों की दुकान भी है। तो हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले मास्क लेना है, तो मैं देखूँगा मास्क। बट ये ज़्यादा ही शनपट्टी कर रहा है, चल आ रहा था मेरे को मारने के लिए। तो भाई हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं मास्क वेस्क देख लेते हैं। ये देखो भाई क्या अलग अलग टाइप के मास्क है, और सारे के सारे भाई रियल दिखाई दे रहे मुझे, और अंदर कपड़े वगैरह भी है भाई, बहुत टाइप के यहाँ पे वेरिएशंस के कपड़े भी है। जो मुझे चाहिए वो मिल जाएगा, और बहुत ज़्यादा मास्क भी है, तो जो मुझे मास्क चाहिए वो भी मैं फटाफट से यहाँ पर ले लेता हूँ, और भाई पहन के हम लोग घर पे जाएंगे, और भाई वैसा वेट भी हम लोग करेंगे वहाँ पे। भाई मैं बन चुका हूँ, पूरा का पूरा भूत बन चुका हूँ भाई, देख सकते हो मैंने मास्क भी पहन लिया और कपड़े भी ब्लैक पहन लिए, ताकि मुझे कोई भी पहचान ना सके। और भाई ब्लैक कपड़े मैंने पहने हैं क्योंकि अंधेरे में मैं दिखाई नहीं दूंगा ना उनको, वैसे मेरा बस मुंह देखना चाहिए उन लोगों को, क्योंकि मैंने इतना खतरनाक मास्क पहना भाई, देखते ही वो लोग मुझसे डर जाएंगे। अभी तो बस यही हम लोग को वेट करना है कि भाई रात कब होगी। तो रात होने से पहले मैं मेरे घर पे पहुंच जाऊंगा, और उसके बाद हम लोग भाई मौका देख के उन लोगों को डराएंगे। हाँ उन लोगों को डराएंगे और उन लोगों को भगा देंगे। आज मेरा घर है ना भाई, मैं किसी भी हालत में पूरा का पूरा खाली करके ही रहूँगा, कुछ भी हो जाएगा बट उनको मैं डरा के ही रहूँगा। बट यार एक बात नोटिस की है क्या, मैं मतलब भाई गाड़ी की स्किल्स मेरी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ड्राइविंग स्किल बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है भाई, इतनी खतरनाक गाड़ी चलाने लग गए हो ना। वैसे गाड़ी चलाने में मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुका हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना किसी दिन मैं कोई सुपर कार की रेस में पार्टिसिपेट कर लूँ। हाँ देखेंगे किसी ना किसी और दिन देखेंगे, आज तो हम लोग को भाई हमारे घर से पुलिस वालों को भगाना है, डरा के भगाना है भाई। उस बंदे ने बोल दिया कि मेरे घर के अंदर भूत रहते हैं, और वहाँ पे अगर कोई फ्रैंकलिन के अलावा कोई अगर दूसरे बंदे आते हैं तो भाई वो उनको परेशान करते। भाई क्या प्लान बनाया था मैंने, बहुत ही धासु मुझे प्लान दिखाई दे रही है। बट अभी भाई वैसे शाम तो हो चुकी है, थोड़ी देर में रात भी हो जाएगी, तो मैं मेरा प्लान एग्जीक्यूट करूँगा और उनको भगा दूँगा। आज तो वो मेरे घर से भाग ही जाएंगे भाई, 7 दिन क्या 7 मिनट के अंदर वो लोग भाग जाएंगे। वैसे मैं भाई अभी निकलता हूँ घर की तरफ, बट ये जिमी ना, ये जिमी का अलग ही कुछ सीन चलता है। यहाँ पे रास्ते के बीच में भाई साइकिल लेके खड़ा था ये अलग ही इंसान, यहाँ पे छोड़ो इसको, मैं निकलता हूँ घर पे। वैसे बहुत ज़्यादा घेरी रात हो चुकी है भाई, यहाँ पे चांदनी भी निकल चुकी है, तो अब हम लोग उनको जाके डराएंगे। और वैसे भाई मेरे घर के आसपास लाइट्स भी बहुत ज़्यादा कम है, तो उनको डराने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हो भाई मुझे ही कुछ आगे का दिखाई नहीं दे रहा, इतना ज़्यादा अंधेरा यहाँ पे, तो वो क्या ही देख पाएंगे। बट वेट यहाँ पे मैं देख लेता हूँ पहले कितने लोग हैं। मुझे यहाँ से तो भाई 3 ही लोग दिखाई दे रहे, 3 ही यहाँ पे पुलिस वाले मुझे दिखाई दे रहे, मतलब इसका मतलब ये है कि बाकी सारे के सारे घर पे जा चुके। एक काम करता हूँ, मेरे पास स्मोक बॉम्ब है ना, तो स्मोक बॉम्ब में डालता हूँ और उसके अंदर छुप के भाई मैं निकल जाऊँगा। उनको थोड़ा सा रियल यहाँ पे फील होगा, फिर रियल सच में भूत आ गए। वैसे भाई मेरे इंसान ने मतलब जिसको मैंने हायर किया था उस बंदे ने तो इसको तो ऑलरेडी डरा दिया होगा, बहुत ही ज़्यादा घबराए होंगे ये लोग। बट यहाँ पर मैं अब जा रहा हूँ और नीचे, हे मेरा घर खाली कर दो। अरे भाई एक इंसान तो ऑलरेडी डर चुका है, शायद गिर गया। मेरा घर खाली कर दो, यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम सबको मार दूंगा। अरे भाई ये तो डर नहीं रहे, अरे तुम लोग डर नहीं रहे क्या, भागो इधर से, मैं भूत हूँ। भाई साहब ये तो यहाँ से डर नहीं रहे, बट इनको मैं एक मुक्का मारूंगा, बेहोश कर दिया भाई सीधा, ये ले तू भी बेहोश हो जाओ। बट जेल के अंदर भाई वो कैदी है जो पिछली बार जिसने पुलिस स्टेशन चला था, वही कैदी। भाई ये तो नहीं डर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको पता चल चुका है, बट मैं इसकी हेल्प नहीं करने वाला हूँ। अब मैं जाता हूँ अंदर और मेरा घर मैं खुद ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं ये यहाँ पे एक और बंदा खड़ा है, वेट यहाँ पे एक और। भाई मैंने सोचा था यहाँ पे बस 3 ही लोग हैं, बट आ रहे हैं भाई, भाग भाग, गोलियां चल रही है, भाग भाई यहाँ से भागना होगा। भाई इनको लगता है उसने सच बता दिया है, ये देखो पुलिस वाला भी आ चुका है यहाँ पे। मेरा तो यहाँ पे भाई
पत्ता कट होने वाला है ऐसा मुझे लग रहा है। और भाई इसने तो मुझे दे मारा। अरे मैं ये डर क्यों नहीं रहा भाई, ये इसको भी बेहोश कर दिया। अरे बेहोश हो जा भाई। बट वो मेरे पे गोले चला रहा है, इसका मतलब ये कि उनको मेरे प्लान के बारे में पता चल गया। भाई अब तो मेरा कुछ खरा नहीं, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, बट मुझे यहाँ से जल्दी से भागना होगा, नहीं तो वो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा गोलियाँ चलाएंगे। बहुत ज़्यादा गोलियाँ चल रही है मेरे ऊपर भाई। भागो भागो इधर से भागो, नहीं तो ये मुझे यहीं पर मार देंगे भाई। मैं घर चुराने के मेरा घर छुड़ाने के चक्कर में भाई मेरे को गोली यहाँ पे लग रही है। देखो क्या खतरनाक में यहाँ पे फायरिंग चल रही है भाई, इनको पता चल गया। ऐसा लग रहा है उस इंसान ने बता दिया भाई, बता दिया कि मैंने ये सारा प्लान छूटा रचा था यहाँ पे। बट एक मैं यहाँ से निकलता हूँ अभी, क्योंकि इन लोगों को पता चल गया भाई बहुत खतरनाक यहाँ पे फायरिंग कर रही है। ये लोग मेरे को छोड़ेंगे नहीं, ये लोग अभी मैं इनको दिख गया तो ये मेरे को छोड़ेंगे नहीं, जेल के अंदर डाल देंगे ऐसा मुझे लग रहा है। बट मुझे यहाँ से एस्केप करना होगा और ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर मैं छुप सकता हूँ भाई। वैसे अभी बहुत ज़्यादा रात भी हो चुकी है, तो मुझे छुपने के लिए कोई ना कोई तो जगह चाहिए ना यहाँ पर। तो एक काम करता हूँ, मैं यहीं कहीं पर कोई जगह ढूंढ लेता हूँ जहाँ पर मैं छुप भी सकता हूँ और भाई सो भी सकता हूँ। बट ऐसी जगह मुझे मिलेगी कहाँ पे, ढूंढना पड़ेगा मुझे, ढूंढना पड़ेगा। वेट, मुझे यहाँ पे एक घर दिखाई दे रहा है, वहाँ पे जाता हूँ मैं। और यहाँ पे हम हो जाएगा क्या, हमारा बंदोबस्त हो जाएगा? हाँ हो जाएगा भाई, यहीं पे मैं सो जाता हूँ। वैसे मैं अभी यहीं पे सो जाता हूँ क्योंकि हमारा प्लान हो चुका है फेल, और देखते कल सुबह क्या होता है। तो गुड नाइट गाइज, मिलते हम लोग कल सुबह। सुबह हो चुकी है और भाई यहाँ पर मैं फटाफट से कपड़े चेंज कर लेता हूँ ताकि अगर मैं किसी को दिख गया तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें मेरी पड़ जाएंगी। वैसे यहाँ पे ना भाई सुबह सुबह लोग वॉकिंग के लिए आते हैं, मतलब मेरे एरिया में जो लोग रहते हैं भाई बूढ़े वगैरह हो, तो यहाँ पे वॉकिंग के लिए, तो ये क्यों भाग रहे हैं भाई यहाँ पे? इसके पीछे कुत्ते तो नहीं लग गए यहाँ पे? कोई बात नहीं, लगे होंगे, हम लोग को कुछ लेना देना नहीं है। बट यहाँ पे मुझे कुछ और प्लान सोचना होगा ताकि भाई उन लोगों को मैं भगा सकूँ यहाँ से। बट मेरा जो प्लान था कि मैं उनको भूत बन के भगा दूंगा, वो प्लान हो चुका है फेल। अभी मुझे कुछ और प्लान यहाँ पर सोचना होगा ताकि ये मेरे घर से भाग जाए। भाई आज तो किसी भी हालत में मैं इनको भगा के रहूँगा, कल तो नहीं पॉसिबल हो पाया, बट आज मुझे ऐसा प्लान सोचना होगा कि वो भाई सच में डर जाए और यहाँ से मेरे घर से भाग जाए। वैसे देख सकते हो भाई, ये अभी भी मेरा घर अपग्रेड करने में लगे हुए, बहुत बड़ी क्रेन इन्होंने लगाई। इसका मतलब ये कि मेरा घर ये और ज़्यादा अपग्रेड करने वाले हैं। ये तो 7 दिन में तो नहीं छोड़ने वाले, ये तो कन्फर्म हो चुका है। बट मैं भी हार नहीं मानने वाला, मैं इनको भाई मेरे घर से निकाल के ही रहूँगा। बट वेट, मेरे दिमाग में इतनी सुपर सॉलिड और स्ट्रांग आइडिया आई भाई, मैं क्या ही बताऊँ। मैं इनको किडनैप करूँगा भाई, एक एक पुलिस वाले को यहाँ पे हम लोग किडनैप कर देंगे। मतलब जैसा भी कोई एक पुलिस वाला कहीं बाहर जाता है चाय पीने के लिए, वॉशरूम के लिए, तो वहाँ पे हम लोग उनको पकड़ लेंगे, सीधा बेहोश कर देंगे, वॉर वैन में डाल के ऐसी जगह पे जाके छोड़ेंगे भाई कि वहाँ से वो लोग वापस ना चुके। ये प्लान मुझे बहुत ही बढ़िया लगा यार, लग रहा है यहाँ पे। तो यही करते हैं हम लोग, यही प्लान हम लोग फाइनल करते हैं और आज इनको यहाँ से भगाएंगे। बट उसके पहले मुझे फिर से यहाँ पे कपड़े लगेंगे भाई, ऐसे कपड़े, और ऐसा मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा कि वो मुझे पहचान ना पाएंगे। ऐसा मुझे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा भाई, दाढ़ी वगैरह बढ़ानी होगी, यहाँ पे बाल वाल कट करने होंगे, अलग हेयर स्टाइल करना पड़ेगा, और उसके ऊपर से भाई ऐसे कपड़े पहनने होंगे जिससे मैं किडनैपर यहाँ पे दिखाई दूँ इनको। वैसे मैंने तो मेरा लुक चेंज कर दिया भाई, बाल वाल कट कर दिए, दाढ़ी वाड़ी लगा ली यहाँ पे, डुप्लीकेट दाढ़ी मैंने यहाँ पे लगा ली, और भाई मतलब बाल बढ़ा लिए, मतलब मैंने डुप्लीकेट बाल भी लगा दिए भाई सिर के ऊपर ताकि वो मुझे पहचान ना पाए। अभी बस मुझे एक ही काम करना है, यहाँ पे मुझे ऐसे कपड़े पहनने जिससे मैं भाई किडनैपर इन लोगों को दिखूँ और भाई ये मुझे पहचान ना सके कि मैं फ्रैंकलिन हूँ। बट ये गाड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, एक विंटेज है, बट भाई उसके अंदर बहुत ही खतरनाक सा इंजन इन्होंने लगाया। बट कोई बात नहीं, चलो हम लोग थोड़ा सा टाइम पास भी कर लेते हैं यहाँ पे। बट ये रहा सामने, कौन सा, क्या नाम है इसका, पोन्सो वाइज क्या पता नहीं। यहाँ पे मैं अंदर चलता हूँ, फटाफट से कपड़े चेंज कर लेता हूँ और भाई हम लोग चलेंगे घर की तरफ और किडनैप करेंगे एक एक पुलिस वाले को, और फिर वो लोग आराम से डर जाएंगे और उसके बाद मेरा घर छोड़ देंगे। यहाँ पे मैं कपड़े देख लेता हूँ भाई, बहुत बढ़िया लग रहा हूँ वैसे शीशे के अंदर, तो मैं देख रहा हूँ भाई ग्लास, मतलब बहुत बढ़िया यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ मैं, विग वगैरह लगा के, डुप्लीकेट दाढ़ी वगैरह लगा के, भाई गॉगल वगैरह लगा के, ये मेरे को पहचान नहीं पाएंगे भाई। फ्रैंकलिन बहुत ही अलग दिखता है, बट मैं खुद को नहीं पहचान पा रहा, तो वो क्या पहचान पाएंगे। बट वेट, यहाँ पे ये देखो भाई, इसको बोलते हैं गाड़ी और इसको हम लोग चुराएंगे। ये है लॉस सैंटोस की सबसे तेज़ गाड़ी और सबसे महंगी गाड़ी भाई, ये देख सकते हो। अभी मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आप लोगों को, स्पीड वगैरह दिखाता हूँ, बट भाई हमारे प्लान से हम लोग को पीछे हटना नहीं है। और यहाँ पे एक बात और है, मुझे यहाँ पे एक वैन लगेगी
जिससे कि भाई मैं उनको मेरे वैन के अंदर डालूंगा और भाई किसी लोकेशन पे ले जाके छोड़ दूंगा। ऐसी मुझे वैन यहाँ पे ढूंढनी होगी, बट अब मुझे वैन कहाँ पे मिलेगी फिट? एक जगह है भाई जहाँ पे मिल सकती, तो मैं उस जगह पे फटाफट से चलता हूँ और वहाँ पे जाके हम लोग देखेंगे वहाँ पे वैन अवेलेबल है या नहीं, और उसके बाद उसको चुराएंगे और भाई निकलेंगे घर की तरफ। वैन तो हम लोगों को यहाँ पे मिल चुकी है, ये देखो यहाँ पे बगल में ही लगाई हुई है भाई ब्लैक कलर की। और भाई ये बात भी अच्छी हुई कि यहाँ पे पूरी की पूरी ब्लैक फिल्म लगाई हुई है कांच के ऊपर, तो इससे तो मैं दिखूंगा नहीं किसी को और कोई मुझे देख भी नहीं पाएगा कि गाड़ी के अंदर भाई है क्या। तो अभी तो वैन तो मिल चुकी है, अब जाना है हम लोग को घर पे। वैसा मेरा प्लान क्या है मैंने आप लोग को बता दिया, बट मैं फिर से बताऊंगा, हम लोग एक एक पुलिस वाले को यहाँ पे किडनैप करने वाले हैं। भाई पूरा दिन भी निकल जाएगा ना, मेरे को कोई परवाह नहीं, बट मैं आज सबको किडनैप करके रहूँगा। और नहीं, सबको नहीं करेंगे, हम लोग 3-4 पुलिस वालों को ही हम लोग किडनैप करेंगे और उनको ऐसी जगह पर लेके जाऊँगा जहाँ पर उनको कोई ढूंढ नहीं पाएगा। और उनके इस किडनैपिंग के इसके ये मैं अभी यहाँ पे भाई पूरे के पूरे पुलिस वालों को खौफ हो जाएगा कि यहाँ पे फ्रैंकलिन के घर के अंदर कुछ ना कुछ है। तो यहाँ पे मैं ना गाड़ी यहाँ पे पार्क कर देता हूँ, वैसे मैं आ चुका हूँ घर के पास, और यहाँ पे हम लोग गाड़ी पार्क कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे पुलिस वालों के आने का, वेट हम लोग यहाँ पे करेंगे और उसके बाद एक एक करके हम लोग किडनैप करने वाले हैं भाई। अब तो भाई बस हम लोग को यहाँ पे वेट करना है, मैं करता हूँ यहाँ पे वेट। तब तक आप करो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को भी प्रेस कर दो। और मैं यहाँ पे जो कोई बंदा आएगा पहला पुलिस वाला, उसको हम लोग भाई बेहोश करेंगे, गाड़ी के अंदर डालेंगे और लेके जाएंगे ऐसी जगह पे जो मुझे भी नहीं पता, बट लेके जाएंगे, ढूंढेंगे हम लोग भाई, वहाँ पे छोड़ेंगे और फिर से घर पे आएंगे, फिर से किडनैप करेंगे, फिर से जाएंगे, फिर से आएंगे, फिर से जाएंगे, यही काम हम लोग करेंगे। 3-4 पुलिस वालों को हम लोग किडनैप करेंगे तो ये लोग बड़ी आराम से डर जाएंगे और मेरा घर भी खाली कर देंगे। तो अब मैं करता हूँ फटाफट यहाँ पे वेट, कोई पुलिस वाला आने की हम लोग यहाँ पे राह देखेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो। भाई 3 घंटे से यहाँ पे खड़ा हूँ, एक पुलिस वाला तक नहीं आ रहा है, बट वेट यार आ रहा है, सामने से एक पुलिस वाला आ रहा है, लगता है ये चाय पीने के लिए जा रहा है कहीं, यहाँ पे आगे एक चाय की दुकान है वहीं पे जा रहा है। बट भाई ये बहुत सही मौका है, इसको हम लोग बेहोश करेंगे और इसको डालेंगे हमारे गाड़ी के अंदर। एक मिनट में पीछे से जाता हूँ, उसको दिखाई नहीं देना, ये ले मेरा घर, कितने मेरा घर नहीं छोड़ेंगे, मेरा घर नहीं। अरे ये उठ गया फिर से, भाई मार इसको, मार बेहोश कर फटाफट, अरे वो देख लेगा भाई, मार बेहोश कर भाई। लगता है ये बेहोश हो गया, इसको मैं डालता हूँ फटाफट गाड़ी में, बेहोश हो गया ना भाई, अब बहुत हो गया, गुस्सा मत करी तो ना, अबे भाई ये तो बेहोश हो गया, इसको मैं फटाफट से डालता हूँ गाड़ी के अंदर। वैसे मैंने अभी डाल दिया इसको गाड़ी के अंदर और मैं अभी भाई ऐसी जगह पर लेके जाऊँगा ना इसको, ये भाई जब उठेगा तो उसको भी खुद को पता नहीं चलेगा कि मैं कहाँ पे हूँ, ऐसी जगह पे मैं लेके जाऊँगा और इनको पता भी नहीं चलेगा भाई, ये ढूंढते रह जाएंगे, बट इनको पता नहीं चलेगा कि इनका एक ऑफिसर चाय पीने के लिए गया था और भाई गया कहाँ पे, घर तो नहीं गया, ऐसा ही लगेगा इन लोगों को। तो अभी हम लोग चलते हैं, लोकेशन ढूंढते हैं और जहाँ पे इनको हम लोग छोड़ सकते हैं, बट आज तो मैं मेरा घर इनसे खाली करवा के ही रहूँगा। और भाई कल का प्लान तो फ्लॉप हो गया, वैसा पहला प्लान था हमारा कि भाई भूत बन के हम लोग इनको डराएंगे, बट वो प्लान हो चुका है फेल, उस बंदे ने मुंह खोल दिया, उसने गवा दिए भाई 1 करोड़ और मैंने गवा दिया मेरा खुद का बेड, भाई ये तो बहुत बुरी बात हो गई। बट आज रात को तो ये हर मेरा खाली कर ही देंगे किसी भी हालत में। वैसे यार मैं बातें बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे लोकेशन ढूंढना है, मैं लोकेशन ढूंढने जाता हूँ फटाफट। लोकेशन तो मुझे मिल गया है, यहाँ पे हम लोग इनको छोड़ेंगे भाई, इस पुलिस वाले को मैं सबसे पहले यहाँ पे छोड़ूंगा और उसके बाद ये देखो सामने मैंने इसको यहाँ पे छोड़ दिया। अब एक तो किडनैप हो चुका है, अब हम लोग फिर से जाएंगे घर की तरफ और फिर से एक बंदे को किडनैप करेंगे और फिर से यहीं पे ला के छोड़ेंगे। और एक पुलिस वाला आ रहा है, इसको भी बेहोश करेंगे, पीछे से एक टपली देंगे और ये हो गया बेहोश, इसको भी डालता हूँ गाड़ी के अंदर और लेके चलता हूँ भाई जो पहला वाला लोकेशन, मतलब पहले वाले बंदे को किडनैप किया था। तो भाई यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया गाड़ी के अंदर और अभी इसको मैं फटाफट से लेके चलता हूँ उसी लोकेशन पे जहाँ पे हम लोगों ने पहले बंदे को किडनैप करके रखा था, ताकि अभी तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, 3 पुलिस वालों को मैंने अभी तक यहाँ पे किडनैप कर दिया है। तो भाई ये बहुत ज़्यादा हो गया, अब ये लोग आसानी से डर जाएंगे क्योंकि यार यहाँ पे 3 ऑफिसर चाय पीने के लिए गए, अभी तक नहीं आए भाई। तो यहाँ पे देख सकते हो तीनों को यहाँ पे मैंने किडनैप करके रखा है, ये बेहोश हुए भाई, किडनैप नहीं करके रखा है, बस रख दिया है यहाँ पे, बेहोश हो तो हो गए। बट अभी मैं जाता हूँ घर की तरफ और भाई देखते हैं
कि वो लोग डरे हैं क्या नहीं, बट अभी बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है तो मैं अब नहीं जाऊँगा, कल सुबह जाऊँगा यहाँ से और देखूँगा कि वो लोग मेरा घर खाली किया है या नहीं। गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग। तो भाई कल रात को हम लोगों ने 3 पुलिस वालों को किडनैप किया था हमारे घर से। अब भाई जाके देखना है कि उन लोगों ने मेरा घर खाली किया है या नहीं। बस मुझे तो लगता है भाई खाली कर दिया होगा, क्योंकि भाई वो डर गए होंगे कि यहाँ पे भाई कोई तो है जो हमारे लोगों को यहाँ पे किडनैप कर रहे। तो मेरे हिसाब से उन्होंने घर तो खाली कर दिया होगा। अब मैं फटाफट से जाता हूँ और देखता हूँ कि वो लोग मेरे घर से गए हैं या नहीं। मैं आ चुका हूँ भाई घर के पास, आ चुका हूँ। बट वेट, ये क्या भाई, ये क्या? मैंने तो सोचा था मेरा घर खाली कर दिया होगा इन लोगों ने डर के मारे। भाई इन्होंने तो सिक्योरिटी और ज़्यादा टाइट कर दी। और वेट, यहाँ पे तो कोई भी नहीं था, यहाँ पे भी 2 बंदे खड़े कर दिए। अरे भाई, और एक मिनट, ये क्या भाई, ये इन्होंने तो सिक्योरिटी बढ़ा दिया भाई। यहाँ पे ज़्यादा पुलिस वाले रख दिए भाई, पहले तो बहुत ज़्यादा कम थे, अब तो बहुत ज़्यादा कर दिए। बाहर इतने ज़्यादा है तो भाई घर के अंदर कितने होंगे? ये प्लान भी हमारे ऊपर उल्टा पड़ गया भाई, ये प्लान भी फ्लॉप हो गया मुझे ऐसा लगता है। और ऊपर से भाई ये लोग गन वन लेके यहाँ पे खड़े, ये क्या मेरा ही वेट करेंगे यहाँ पे? बट इनको तो मैं पहचान में नहीं आऊँगा। वैसे मैं इनको थोड़ी ना पता कि मैं फ्रैंकलिन हूँ, मैं बस वैसे, अरे हेलो सर, ये क्या इतनी ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी कर दी कल रात को? तो कल तो मैंने देखा था बहुत कम सिक्योरिटी यहाँ पे थी। भाई इनको पता चल दिया है, ये इन्होंने सिक्योरिटी बढ़ाई है मेरे लिए। इनको पता चल गया कि मैंने यहाँ पे पहले तो भूत बन के इनको डराया और भाई यहाँ पे किडनैप भी मैंने ही किया, ये इन लोगों को पता चल गया है। तो भाई हमारे दोनों के दोनों जो प्लान थे वो हो चुके हैं सक्सेसफुली फेल। हाँ, सक्सेसफुली फेल हो चुके हैं, क्योंकि हम लोगों ने बनाए थे इतने बकवास प्लान। भाई पहला वाला तो था कि भूत बन के मैं इनको डराऊंगा, बट भाई भूत बन के इनको नहीं, उन्होंने मेरे को डरा दिया गोलियां चला के, वो तो प्लान फ्लॉप हो गया। चलो वो मान लिया कि वो प्लान फ्लॉप था, बट भाई सेकंड प्लान तो बहुत बढ़िया था कि उनको किडनैप करना है, एक एक पुलिस वाले को हम लोग किडनैप करेंगे और भाई वो डर के मारे मेरा घर खाली कर देंगे। बट इन्होंने तो सिक्योरिटी ही ज़्यादा बढ़ा दी घर के अंदर। भाई ये तो भाई बहुत ज़्यादा नाइंसाफी हो गई यहाँ पे। बट अभी मुझे कुछ और प्लान सोचने होंगे। भाई वैसे आप लोगों को कुछ है क्या दिमाग में, वैसे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। आपके पास अगर कोई प्लान्स हो तो मैं वैसे यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगा और इनको मेरे घर से भगाऊँगा। अब भाई ये लोग मुझे पैसे भी क्या देंगे यार, और मेरा घर भी नहीं खाली करेंगे, तो कोई बात नहीं। वैसे आप लोग तो हो मुझे सजेशन देने के लिए, वैसे सजेशन दो क्या आइडिया मैं यहाँ पे लगाऊँ इनको भगाने के लिए। तो मैं अभी भाई चलता हूँ होटल पे, जहाँ पे मैं ऑलरेडी चेकिंग किया है वहाँ पे चलता हूँ और वहाँ पे जाके भाई मैं आराम करता हूँ। 2 दिनों से मैं यहाँ पे सोया हूँ, अभी मेरे पैसे भी ख़त्म हो जाएंगे 2-3 दिन के अंदर। तो कोई बात नहीं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को भी प्रेस कर दो, ताकि आप लोग को नेक्स्ट एपिसोड तुरंत ही यहाँ पे दिखाई दे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। I'm sorry, fool.